डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि खेलने से वेट लॉस होगा, मेरा तो नहीं हुआ। क्या खेले थे बेटा? कैंडी क्रश। आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जो वेट लॉस करना चाहते हैं, फिट रहना तो चाहते हैं, पर मेहनत नहीं बाबा नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा यार, अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा, और अगर आप मेरे साथ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हर मंगलवार वेट लॉस सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे एक्सरसाइजेस एंड बहुत सारे डाइट प्लान्स, जिससे आप फिट तो रह पाएंगे, साथ में आप वेट लॉस भी कर पाएंगे। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर मंगलवार है फिट रहने का प्लान। Hi, I am Neha and welcome to the channel Living Bright. आज पहला मंगलवार है हमारे वेट लॉस सीरीज का, तो मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं कराऊंगी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी। सिर्फ आपको इतना करना है कि नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर देना है, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो नीचे जो लाइक का बटन है ना वो भी प्रेस कर देना है। तो आज हम मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, पर इतना जरूर कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं, आप हेल्दी है या आप ओवरवेट है या फिर आप अंडरवेट है। तो यही आज हम जानेंगे, आप खुद भी जान पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको यही कैलकुलेशन देने वाली हूँ। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ये एक ऐसा यूनिट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हाइट के अनुसार, हमारे बॉडी शेप के अनुसार हमारा जो वजन है वो सही है या नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, फिर भी यही सोचते हैं कि उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, फिर भी यही सोचते हैं हम तो भैया हेल्दी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आज सबको आईना मिल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि वो लोग एक्चुअल में हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको आपका हाइट और आपका वेट मेजर कर लेना है। आपकी हाइट अगर 175 सेंटीमीटर है तो उसे डिवाइड बाय 100 करके उसे मीटर में कन्वर्ट कर देना है। मतलब आपकी हाइट अगर 175 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 मतलब 1.75 मीटर्स, और फिर जितनी आपकी हाइट है उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 1.75 × 1.75 = 3.06। और फिर आपका वेट अगर 75 केजी है तो आपका BMI होगा BMI = weight / height² मतलब 75 / 3.06 = 24.5। तो आई होप आपको आपका BMI पता चल गया होगा, मैंने ये एग्जांपल दिया था उसी तरीके से आपको आपका BMI निकाल लेना है। और ये BMI निकालने के बाद आप ओवरवेट में हैं या फिर अंडरवेट में, ये कैसे पता चले, तो ये मैं आपको बताती हूँ। पर उससे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और साथ में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, रोजाना हेल्थ टिप्स चाहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आपकी BMI वैल्यू के अनुसार आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपकी BMI वैल्यू 18.5 से कम है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा पतले हैं, आप अंडरवेट में आते हैं, तो भैया अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और अच्छा अच्छा खाइए, ताकि आप हेल्दी रह पाए, और रोजाना एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके मसल्स बिल्ड हो पाए। और अगर आपकी BMI वैल्यू 18.6 से 24.9 तक है तो आप हेल्दी हैं, मतलब आपको खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये मेंटेन करना है, आपको हेल्दी खाना है, और साथ में आपको डाइट पे ध्यान जरूर देना है और रोजाना एक्सरसाइज जरूर करना है, ताकि आप हेल्दी से ओवरवेट ना हो जाए। थर्ड कैटेगरी इज, अगर आपका BMI 25 से 29.9 तक है तो आप ओवरवेट है। अगर आप ओवरवेट हैं तो डोंट वरी, आप हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ओवरवेट होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने डाइट में ध्यान दे सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इससे आप डेफिनेटली हेल्दी में आ जाएंगे। पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मेरी वेट लॉस सीरीज के वीडियोस देखने हैं, ताकि आपको एक्सरसाइजेस का पता चले, डाइट का पता चले, और आप हेल्दी हो पाए। क्योंकि अगर आप चाहें हेल्दी होना तो ये पूरी कायनात आपको रोक नहीं पाएगी। अब लास्ट कैटेगरी, जिसमें अगर आपका BMI 30 से भी ज्यादा है तो मतलब आप ओबेस्ड हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना वेट मेंटेन करने में, आपको हेल्दी बनने में।
तो आपको तो स्ट्रिक्टली सारे डाइट फॉलो करने हैं, सारी एक्सरसाइजेस करनी है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो एक गिफ्ट है नेचर का। अगर आप इसे ही बिगाड़ के रख देंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर आए थे यार। थोड़ा ज्यादा हो गया, पर आपको ख्याल जरूर रखना है। मुझे पर्सनली फील होता है कि जो लोग 30 से ज्यादा BMI वाले हैं ना, प्लीज नेवर मिस एनी वीडियो। आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, हर मंगलवार वीडियो देख लीजिएगा और इसे अमल जरूर कीजिएगा। देखने से कुछ नहीं होता यार, अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो। सो ये था BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। आई होप आप सबको आपका बॉडी मास इंडेक्स पता चल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं तो भैया हेल्दी में आती हूँ, क्योंकि रोज हेल्दी खाना खाती हूँ, एक्सरसाइज भी रोज करती हूँ और अपने डाइट का ख्याल बहुत ज्यादा रखती हूँ, मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं अब प्रॉपरली फिट हो गई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं फिट होना तो हर मंगलवार मुझसे जुड़े रहिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स से ही वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। अदर सोशल मीडिया पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो। और अगर आपने ये एक्सरसाइज वाला, प्लैंक एक्सरसाइज वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप उसे देख लीजिए। और ये लेटेस्ट वाला वीडियो देखना भी मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।